लोगों को जागरूक करने के लिए यह हड़ताल वैश्विक स्तर पर की जा रही है। इस हड़ताल से हम यह बताना चाहते हैं कि पृथ्वी का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने की कगार पर है और जलवायु परिवर्तन का असर सबसे पहले अविकसित समाज के ऊपर पड़ता है। करीब 150 साल पहले ही वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया था कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने से, यानी कि कोयला ज़मीन से निकाल कर प्रयोग करने से जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, वो ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की सतह पर एक कवच की तरह बन जाती हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हम इंडिविजुअल एक्शन तो ले ही सकते हैं, जैसे कि अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्लोबली हमें पृथ्वी का औसत तापमान कम करने की बात कर रहे हैं अगर हम, तो हम चाहते हैं कि ऐसी नीतियाँ लाई जाएं जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता देने के साथ साथ जीवाश्म ईंधन की फैक्ट्रीज़ को कम किया जाए, जिससे कि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री, जो कि सेफ लेवल है, उससे ज़्यादा ना हो। तो हमें ऐसी कंपनियों पर कार्बन टैक्स लगाना होगा जो उचित मात्रा से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसी 100 कंपनियों का पता लगाया गया जो करीब 71% ग्लोबल एमिशन के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो अगर ऐसी कंपनियों पर कार्बन टैक्स लगाया जाए तो यह संभव है कि वो अपने एमिशन के स्तर को कम करेंगी और टैक्स से हमें राशि प्राप्त होगी, उससे हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं।